कारण तो हैं और इसके पीछे घरेलू से लेकर वैश्विक राजनीतिक कारण भी हैं, क्योंकि युद्ध के इस खेल में भले इसराइल और हमास अकेले खिलाड़ी दिख रहे हों, लेकिन दरअसल इसके पीछे सुपर पावर्स की कूटनीति भी बखूबी काम कर रही है। गाजा पट्टी पर हवाई हमले चाहे इजराइल जितने कर ले, लेकिन गाजा की जमीन पर कदम रखते ही दुनिया भर में उन मुल्कों के सब्र का बांध टूटने का खतरा है जो अब तक सिर्फ बयानबाजियों से युद्ध में शामिल हैं। लेकिन दरअसल इस युद्ध में इजराइल अकेला खिलाड़ी नहीं है, खुद इजराइल को भी इसका अंदाजा है। इजराइल की सेना बार बार कह रही है कि हमास के आतंकवादियों को ईरान ने आतंकी ट्रेनिंग दी और अब हर तरह का समर्थन दे रहा है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो ये बताता है कि ईरान ने अपने ही जमीन पर हमास आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी और वो भी कुछ ही हफ्ते पहले। इस रिपोर्ट